देखिए, मुझे लगता है कि मत तो शामिल होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के मत शामिल न होने से कोई मतलब इस पे कोई बहस नहीं हम कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस वक्त राजनीति के जिस पड़ाव पर हैं, जिस मोड़ पर हैं, या कहें कि जिस तेजी से वो उठे हैं, कर्नाटक, गुजरात और खास करके अभी तीन राज्य, उसके बाद ये संदेश जाना और खास करके ऐसे क्रूशियल मौके पर जब तीन राज्यों के मुख्यमंत्री चुने जाने हैं, प्रियंका का राहुल गांधी के घर आना, राजनीतिक तौर पर मैं इसे राहुल गांधी के लिए बहुत अच्छे संकेत के तौर पर नहीं देखता हूं। और एक काम सोनिया गांधी ने जो बहुत बखूबी किया कि जब जिस वक्त राहुल गांधी के ऊपर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं था, हर कोई कहता था कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ मजाक बना रहे हैं पार्टी का, राहुल गांधी बहुत कमजोर हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, उस वक्त से लेकर अगर आज तक का सफर राहुल गांधी ने तय किया है, हो सकता है कि प्रियंका गांधी की भूमिका हो सकता है कि सोनिया गांधी की भूमिका हो, लेकिन नेता तो नेता होता है। अगर नेता के आसपास, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी छपरी नहीं हो सकती कि बांस लगा के खड़ा किया गया, नेता वैसा नहीं हो सकता। नेता एक शानदार इमारत की तरह दिखता है, भले ही बुनियाद में कितने पत्थर पड़े हों, कितने पिलर लगे हों, आरसीसी हो, लेकिन नेता की इमारत इस तरह से दिखनी चाहिए कि जो ये इमारत है यही सब कुछ है। और आज की ये जो घटना है, मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं कि अगर प्रियंका गांधी इस तरह से पहुंच रही है और नेशनल मीडिया में इस तरह से ये चल रहा है, तो ये राहुल गांधी की राजनीति के लिए उनके नेतृत्व पर एक सवाल भी खड़ा करता है।